तनाव तनाव गुस्सा, यह हर एक मानव में गुस्सा आ जाता है। कभी न कभी कितनों शांत है, कभी न कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मानव के लिए एक दुश्मन है। दुश्मन क्या? महा दुश्मन है। इसको पूछिए कि गुस्सा और तनाव मानव के लिए बहुत परेशानी है। मैं न्यूट्रिशन वेलनेस कोच कौशल मेहता के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं गुस्से से हम लोगों को कितना बीमारियां दे देती है। सिर्फ एक गुस्सा हम लोगों को 5 से 7 बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले गुस्से से हम लोगों का पाचन क्रिया प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग जो है पाचन क्रिया में खाना खाते हैं लेकिन पच नहीं पाता है, अनपच की समस्या हो जाती है। इस समस्या से फिर दूसरा आ जाता है कि गैस बनने लगता है, गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। गैस एसिडिटी की समस्या होने से यदि हम लोग यदि हैबिट चेंज नहीं किए, गुस्से को शांत नहीं किए, तो फिर हम लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर से हम लोग परेशान हो जाते हैं। उससे भी फिर गुस्सा को फिर भी शांत नहीं किए, हम लोग को आंत में सूजन हो जाते हैं। और आंत में सूजन होने से हम लोग डॉक्टरों को लाखों रुपया दे के उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सिर्फ गुस्से को शांत करना है। अब बात आती है कि गुस्सा फिर शांत कैसे हो। गुस्सा से तो फिर बता दें गुस्सा है क्या, मतलब तनाव। तनाव से हम लोगों का बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। यदि 120/80 है तो बीपी धीरे धीरे 30 होगा, 30 90, 130 90, 140 100, तो बीपी बढ़ेगा तो हम लोगों को परेशानी है। बीपी बढ़ने से तो देखिए बीपी की भी समस्या पैदा कर सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको सबसे यह सारा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। अपने आप के लिए बात करते हैं कि अब मुद्दे की आते हैं कि अपने आप को बदले कैसे होने पा रहा है। चलिए उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, हम आपका सहयोग करने के लिए इस चैनल पे हैं। और आप चैनल पे बने रहिए कि हम आपका कैसे सहयोग करें। सहयोग करें सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ आध्यात्मिक बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं होता है तो अब गीता रामायण लीजिए और आध्यात्मिक बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यदि आप आध्यात्मिक बुक को रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ऑटोमेटिक गुस्सा शांत होगा। गुस्सा शांत होगा तो धीरे धीरे सारा बीमारी भी आपके शरीर से चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। आप धीरे धीरे 2 4 5 6 महीना में आप स्वस्थ हो जाइएगा और निरोग रहिएगा। स्वस्थ रहिएगा तो मस्त रहिएगा। एक गुस्सा के कारण से कितना परेशानी झेलना पड़ा, यह गुस्सा को शांत करने का। आप यदि आप इससे भी नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।